हाय दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैनन XA50 और XA55 का बटन्स, फंक्शन और उसके मेन्यूज के बारे में। उसके पहले हम लोग उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये 4K UHD कैमरा है, इसमें 4K वीडियो लेंस दिया गया है, 9-bladed आयरिश है, इसमें ऑडियो जो दिया हुआ है 4 चैनल का, 1-inch टाइप सीमो सेंसर है, डिजिक DB6 इमेज प्रोसेसर है, इसमें डुअल स्लॉट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, डुअल पिक्सल सीमोस ऑटो फोकस है, फेस डिडक्शन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है इसमें, फुल HD भी आप इसमें कर सकते हैं, 1920x1080, हाई क्वालिटी माइक्रोफोन दिया हुआ है, इंफ्रारेड का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस इसमें पावर्ड IS प्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस स्लो और फास्ट दोनों ही आप इसमें कर सकते हैं। इसमें 3 इंचेस का टच पैनल दिया हुआ है जिससे आप मेनू और ये टच पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। वाइड DR गामा इसमें दिया हुआ है। तो ये लाइट वेट कॉम्पैक्ट विद डिटेचेबल हैंडल प्रोफेशनल कैमकॉर्डर है जिसे आप इसे हर सेगमेंट में यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़ या एडुकेशन, वेडिंग्स, हर सेगमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं और जान लेते हैं इसके बटन्स, मेनूज और फंक्शन के बारे में। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारे पास कैनन XA55 है। 50 और 55 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो है इसमें आपको 55 में SDI आउटपुट मिल जाएगा और 50 में SDI आउटपुट नहीं है। ये जो SDI है 3G SDI है। अब दोनों का ही फंक्शन, दोनों का ही फीचर्स XA50 और 55 टोटली सेम है, सिर्फ डिफरेंस है 3G SDI। जो कैमरे के साथ बॉक्स में आता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक हुड आता है, डिटेचेबल हैंडल आएगा, बैटरी आता है, ठीक है। अब देख ली, ये इस तरह से आपका कैमरा है। कैमरा में चारों तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से आपका कैमरा दिखेगा, ये इस तरफ से कैमरा आपको दिखेगा। सबसे पहले हम लोग बटन्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेनूज फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इधर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कैमरा ऑफ और मीडिया। कैमरा मतलब कैमरा ऑन हो जाएगा और ऑफ मतलब बंद हो जाएगा, और मीडिया मतलब आप जो फोटोज या वीडियोस लिए हुए हैं इस कैमरा से आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। प्री रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि तीन सेकेंड अगर ये आपका ऑन रहता है प्री रिकॉर्डिंग बटन, तो 3 सेकेंड्स का वीडियो ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद बैक का ऑप्शन है, डिस्प्ले मतलब इसमें बैटरी इन्फो आप देख सकते हैं, इंफ्रारेड ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है, मैंने इंफ्रारेड है मतलब एकदम अंधकार हो जाएगा, 0 लाइट होगा, उस समय भी आप ये कैमरा सब कुछ देख पाएगा। तो इधर आप देख लिए, उसके बाद आप देखिए थोड़ा इस तरफ से हम घुमाते हैं कैमरा को, तो इधर ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, पावर्ड IS, और उसके बाद ये जॉयस्टिक दिया हुआ है, मेनू बटन दिया हुआ है, उसके बाद ये देखिए रिकॉर्डिंग का बटन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन का बटन दिया हुआ है, उसके बाद ये बटन है आपका जूम, फास्ट जूम कर सकते हैं, स्लो जूम, इसको भी आप एजाइन कर सकते हैं, मैंने एजाइन इन द सेंस इसको आप इंटरनल फंक्शन में दिया हुआ है मेनू में कि आप इसको स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस इसमें डुअल कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, तो डुअल कार्ड आप SD इस तरह से है, देखिए 1 और 2 स्लॉट्स दिया हुआ है, दोनों SD कार्ड, SDXC कार्ड यूज़ होता है। उसके बाद देखिए इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया कि 50 और 55 में डिफरेंस है 3G SDI का, उसके सिमिलरली USB आपको मिलेगा, HDMI आउटपुट, रिमोट का और माइक का, रिमोट का नहीं है ये, हेडफोन का है, आप हेडफोन से सुन सकते हैं। उसके बाद ये 4 चैनल जैसे ऑडियो है, तो इसमें 2 इनपुट आपको मिल रहा है XLR का, और सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, सामने की तरफ ये आपका इंफ्रारेड का इंटरनल लाइट अब जलेगा अगर इनको ऑन कर देते हैं। उसके बाद ये हुड है, इसको क्लोज कर सकते हैं, और ये सामने की तरफ आप देखिए, सामने की तरफ ND फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस और माइनस आप कर सकते हैं। ये फोकस और जूम का मतलब ये है कि अगर हम जूम में रखते हैं तो इस बटन को अगर हम रोटेट करते हैं तो जूम होगा, अगर फोकस में रखते हैं तो इस बटन को रोटेट करते हैं तो ये मैनुअल फोकस काम करेगा। उसके तो मैनुअल फोकस काम करने के लिए आपको मैनुअल फोकस में
MF में कर देना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं और बाकी ये कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है। कस्टम से इसमें बहुत सारा ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO और गेन, वो बहुत कुछ ऑप्शन है। और ये डायलर बटन है, तो अप्रोक्स ये आप सभी काम देख लिए होंगे। और ये जो चैनल है इसका पूरा स्विचेस दिया हुआ है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है जिसका विज़न बहुत अच्छा है ये इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का। उसके बाद आप देखिए ये DC चार्जर, इधर से आप डायरेक्ट चार्ज आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिमोट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो टोटल हो गया इसके बटन और के बारे में। अब हम लोग जाके थोड़ा सा और इस तरफ से आपको दिखाते हैं। थोड़ा देखिए ये जो है आपका रिकॉर्डिंग का, ये हैंडल का रिकॉर्डिंग है और इससे भी आप जूम कर सकते हैं। तो ये टोटल होपफुली पूरा कंप्लीट हो गया। और ये और एक ऑप्शन आप इधर देखिए, ये इधर आपका ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो और मैनुअल, ऑटो और मैनुअल। इस जगह ऑटो मतलब कैमरा ऑटो में काम करेगा, मैनुअल मतलब मैनुअली आपको सब कुछ फंक्शन आपको खुद से करना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग इसका मेनू फंक्शन के बारे में, मेनू फंक्शन मतलब इसके पूरा फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है आप उसको हम ऑटो करते हैं, ये ऑटो हम कर दिए इस जैसे मैंने आपको दिखाया था ऑटो। तो ऑटो में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ जो कैमरा करेगा ऑटोमेटिक कैमरा इटसेल्फ करेगा, ईच एंड एवरीथिंग कैमरा करेगा। और इसमें देख लेते हैं हम लोग फंक्शन में क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, जूम, जूम मतलब आप टच करके जूम कर सकते हैं। देखिए टच करके जूम होगा, आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा जूम हो रहा है। इस जगह आप कर्सर देखिए, अगर हम कुछ कोई जैसे ये वाला है देखिए, ये अगर हम इसको जूम करते हैं, इसको पहले वाइड करते हैं, इसको अगर हम जूम करते हैं देखिए, तो इसे जूम कर सकते हैं। प्लस इसमें फ़ोटो और रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। प्लस ये आपका ऑडियो का इंडिकेटर पूरा दिया हुआ है। ये तो हो गया आपका फंक्शन में। अब फंक्शन में आपको बस यही ऑप्शन मिलेगा और इसमें आप कर सकते हैं ऑटो फोकस, ऑटो फोकस का ही ऑप्शन काम करेगा। प्लस फोटोज आप क्लिक कर सकते हैं। अब मैनुअल में हम लोग जाते हैं, मैनुअल में आप क्या कर सकते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं एक एक कर। उसके बाद हम मेनू के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम है आपका कैसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे चेंज कर सकते हैं एक्सपोजर, आप इधर एक कर देखिए, प्रोग्राम है, शटर स्पीड, प्रायोरिटी, अपर्चर, और उसका चेंजेस भी कैसे होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे मैनुअल। और एक एक फंक्शन आगे देख लीजिए ये। उसके बाद पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, नाइट सीन्स, स्नो, बीच, सनसेट, लो लाइट, स्पॉट लाइट और फायरवर्क्स। और ये अब प्रोग्राम, अगर आपको मैनुअली काम करना है, ये जितने भी ऑटो प्रीसेट मोड है, जैसे कोई भी आपका फंक्शन है, जैसे पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो उस जगह आप पोर्ट्रेट में रख दिए, कोई स्पोर्ट्स शूट कर रहे हैं तो उस जगह आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब आपको कोई सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक प्रीसेट सेटिंग्स दिया रहता है। इसी तरह ये पूरा सेटिंग्स है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मैनुअली ही सब कुछ अपना काम करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल में जाके अपना काम कर सकते हैं। तो मैनुअल में जाके आप किस तरह से काम करेंगे, अगर देखिए आपका F मतलब आयरिश मतलब अपर्चर, और 1/33 इसका मतलब हो गया आपका शटर स्पीड, और DB का मतलब हो गया इसमें ISO, जैसे हम लोग गेन ISO बोलते हैं DSLR में, तो इसको ISO बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है, आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, तो चेंज आप कर सकते हैं जैसे कि देखिए इधर आपका एक कस्टम बटन मैंने आपको दिखाया, देखिए कस्टम बटन, इसको मैंने क्या किया था, कस्टम बटन को प्रे होल्ड करके रखेंगे कुछ सेकंड तक, और उसको होल्ड करके, और ये जो डायलर बटन है इसको घुमाकर हम यहाँ देखिए इसको TV AVM मतलब ये जो हम TV AVM में दिए उस वो आपका एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये पूरा मैनुअल में एक्टिव हो जाएगा। तो हम उसको एक बार फिर से
कस्टम बटन को क्लिक कर दिया तो ये सेट हो गया। तो हमको जब जब हमको चेंज करना पड़ेगा, जैसे मेरे को अपर्चर चेंज करना है तो अपर्चर में अभी देखिए ब्राउन कलर के मार्क किया हुआ है, मतलब ये सिलेक्टेड है। उसके बाद अगर हमको शटर स्पीड में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो कस्टम बटन है, ये कस्टम बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कहाँ शटर में मार्क हो गया। तो हम शटर को, ये जो डायलर बटन है, ये डायलर जो बटन है, ये डायलर बटन से हम चेंज कर पाएंगे। देखिए ये चेंज होगा, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमको डीवी को चेंज करना है तो फिर डीवी में मार्क करके हम इसको डीवी को चेंज करें। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑटो फोकस, मैंने मैनुअल फोकस में किया था, हम इसको पहले ऑटो फोकस में कर देते हैं। वही सेम चीज़ अगर हम मैनुअल में कस्टम में जाते हैं, कस्टम में जाके प्रेस करके देखिए ये गेन का है, ये मतलब वो कस्टम को ऑफ करना, ये एक्सपोजर को कम हो जाता है। ये एक्सपोजर कहाँ काम करेगा, एक्सपोजर प्रोग्राम मोड में काम करेगा। अगर हम एक्सपोजर को सिलेक्ट कर देते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम मोड में गए, अब इधर हम देखिएगा, इधर क्या कीजिएगा, इधर देखिएगा ये एक्सपोजर का आ गया सही। तो हम इधर को डायलर जो बटन है, डायलर बटन से एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सपोजर को हम डायलर बटन से चेंज कर सकते हैं। और अगर हमको चेंज करना शटर स्पीड अपर्चर तो मैनुअल में जाके ये टीवी एवीएम में जाके हम चेंज कर सकते हैं। बाकी जो भी ऑप्शन आपको सब कुछ सेम मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं, इसमें और क्या फंक्शन आपको मिल जाता है। तो आपको एक गेन, मतलब आपका ऑटो गेन कंट्रोलर, मतलब ये गेन कंट्रोलर मतलब अगर इसको ऑन कर देते हैं तो आपका जो नॉइजेज आएगा वो बहुत कम आएगा। फिर उसके बाद है उसके बाद आपका एक्सपोजर कंपनसेशन। आप एक्सपोजर कंपनसेशन के बारे में जानते ही होंगे कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर करेंगे उतना बढ़ेगा। तो ये आपका पूरा दिया, जैसे ये माइनस में, ऑटो एक्सपोजर माइनस में है, इसको प्लस करेंगे तो ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद है ऑटो वाइट बैलेंस। तो ऑटो वाइट बैलेंस में आप ऑटो वाइट बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद है डे लाइट, उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद है केल्विन। केल्विन को भी पूरा चेंज कर सकते हैं। केल्विन को आपका कितना से कितना तक कर सकते हो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। 2000 से लेके आप इसको 15,000 तक केल्विन आप कर सकते हैं। तो अभी सपोज़ आपको नहीं पता तो ऑटो वाइट बैलेंस में रख दीजिए, या आप सपोज़ आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि हाँ आपको क्या केल्विन रखना चाहिए, और आपको ऑटो वाइट बैलेंस में भी देख रहे हैं कि नहीं आपका ठीक नहीं आ रहा, तो आप ये जो ऑप्शन है सेट वन डब्ल्यू बी वन, उसको इस जगह देखिए ये ऑप्शन है, इसको प्रेस कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक देख के वो वाइट को देखे, ये वाइट बेसिकली ये वाइट को देख के वाइट को ठीक रख के ये काम करता है। तो हम इसको ऑटो वाइट बैलेंस में रख दिए। तो उसके बाद जो ऑप्शन है बैक लाइटिंग कंट्रोल, बैक लाइटिंग कर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें फोकस में आप पिकिंग को ऑन कर सकते हैं, मतलब जैसे ये पिकिंग है तो जैसे आप इसको सिलेक्ट किए तो रेड में रखें, तो अगर मैनुअल फोकस में कर रहे हैं तो अगर जो आपका सब्जेक्ट पूरा फोकस रहेगा तो रेड आ जाएगा, ब्लू में रखेंगे तो जो सब्जेक्ट फोकस रहेगा वो ब्लू में रहेगा, ब्लू में मार्क रहेगा, एजेस में मार्क रहेगा कि वो फोकस है, येलो में भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका मैग्निफिकेशन, उसके बाद आपका है लुक्स, लुक्स में भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप इसमें शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर डेप्थ को आप चेंज इसमें कलर डेप्थ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रल, वाइट डीआर, वाइट डायनेमिक रेंज और मोनोक्रोम। तो इस सब में आपको कलर के ऊपर थोड़ा सा काम आप कर सकते हैं, वाइट डी आर के ऊपर काम कर सकते हैं, डायनेमिक रेंज के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऐसा जगह में है कि जहाँ पर्टिकुलर एक जगह पूरा ओवर एक्सपोजर हो गया, तो उस जगह वाइट डी आर बहुत ही काम अच्छा करता है, जहाँ पर्टिकुलर जैसे दूल्हा दुल्हन है, ठीक है, और जब फ्लैश आप दे रहे हैं उस जगह फ्लैश है, फ्लैश या आपका लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, तो उस जगह क्या होता है ओवर एक्सपोज हो रहा, डाटा चल जाता है, तो वो डाटा को रिमेन अच्छी तरह से मेंटेन करता है वाइट डी आर। तो ये सब ऑप्शन इसमें पूरा दिया हुआ है, प्लस ये ऑडियो का ऑप्शन है। तो ये बेसिकली ये आपका है फंक्शन में।
और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मेनू के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मैं पर्टिकुलर बाद में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा 150 का फंक्शन के ऊपर, मतलब एक एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पहले आप लोग बटन्स और मेनूज के बारे में क्या क्या है नहीं है आप सब समझ लो, फिर उसके बाद मेनू, मेनू में इसमें आपका देखिए क्या आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कैमरा सेटअप, रिकॉर्डिंग सेटअप, आपका ऑडियो सेटअप, डिस्प्ले सेटअप और सिस्टम सेटअप। तो इसमें क्या क्या आपको ऑप्शन मिलेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो डिजिटल जूम, जूम स्पीड लेवल, ग्रिप जूम ऑपरेशन, ग्रिप जूम स्पीड, मतलब ये जो ग्रिप जूम है इसको हम लोग स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। हैंडल जूम, ये जो हैंडल जूम है ऊपर वाला उसको भी हम कम और ज़्यादा पूरा कर सकते हैं, अपने हाथ के ऊपर डिपेंड करता है कैसे। जैसे देखिए हम आपको एक दिखा दे रहे हैं, जैसे हैंडल का जूम, ठीक है, इसमें हम कम और 5 करेंगे तो ये बहुत स्लो हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है वायरलेस कंट्रोल जूम स्पीड, इसके आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट आता है इसके साथ, रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं 155 के साथ रिमोट आता है। हाई स्पीड जूम, फिर ऑटो फोकस फ्रेम साइज, ऑटो फोकस स्पीड, ऑटो फोकस फ्रेम साइज मतलब इसमें ऑटोमेटिक लार्ज और स्मॉल, जो हम लोग ऑटो फोकसिंग का जो साइजेस होगा वो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, स्मॉल रहेगा। फिर ऑटो फोकस स्पीड, आपका फास्ट नॉर्मल स्लो ऑप्शन दिया हुआ, ऑटो फोकस में कितना फास्ट रिस्पॉन्स करेगा वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपका फेस डिटेक्शन ट्रैकिंग ऑन कर सकते हैं, फोकस गाइड, फोकस गाइड मैंने मैनुअली में आपका काम करेगा कि आपका जो मैनुअल अगर आप फोकस करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट पर्टिकुलर फोकस हुआ है कि नहीं, इसमें फोकस गाइड दिया हुआ है। फोकस प्रीसेट स्पीड, ऑटो बैक लाइटिंग करेक्शन, ऑटो स्लो शटर कन्वर्सन, ये ऑप्शन जो है इसमें आप बाद में आप एक एडाप्टर के थ्रू इसको जूम बढ़ा सकते हैं और इसको वाइड एंगल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, पावर्ड आईएस जैसे मैंने बताया, और सेट डब्ल्यू प्रायोरिटी, केल्विन फोकस, तो ये फोकस रिंग का रिस्पॉन्स है, ये जो फोकस रिंग है इसका भी आप रिस्पॉन्सेस फास्ट नॉर्मल स्लो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रिकॉर्डिंग सेटअप, तो इसमें दो कोडेक दिया हुआ है, एक MP4 XF AVC, मतलब अगर ऑल मीडिया में चलाना है तो MP4 में रख सकते हैं, अगर आप एडिटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो XF AVC आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो रेजुलेशन दिया हुआ है, ये 1 इंच 4K कैमरा है जैसे मैंने बताया, तो ये आपका 4K रिकॉर्ड करता है, फुल HD भी रिकॉर्ड करता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेम रेट 50p और 25p देगा, तो फिर ऑडियो फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग मीडिया, आपका मैंने किस कार्ड में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो दिया हुआ है, डुअल रिकॉर्डिंग, और इसमें तीन ऑप्शन दिया, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग में एक कार्ड में रिकॉर्ड होगा या दूसरा कार्ड में रिकॉर्ड होगा, डुअल रिकॉर्डिंग में दोनों कार्ड में एक ही फाइल रिकॉर्ड होगा, रिले रिकॉर्डिंग मतलब एक कार्ड जब ऑटोमेटिक फुल हो जाता है दूसरे कार्ड में वो चला जाता है, ट्रांसफ़र ले लेता है। उसके बाद है स्लो एंड फास्ट आप कर सकते हैं, अवेलेबल कितना है वो दिखाएगा, इनिशियलाइजमेंट फॉर्मेट, फिर रिकॉर्डिंग कमांड है ऑन, फिर उसके बाद आपका HDMI टाइम कोड, टाइम कोड मोड, टाइम कोड रनिंग मोड, इनिशियल टाइम कोड, यूजर बीट, तो ये सब पूरा ऑप्शन दिया हुआ है रिकॉर्डिंग का। फिर हम आते हैं ऑडियो का, जब हम ऑडियो सिस्टम इसमें इंसर्ट करेंगे XLR में तो ये ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगा, तो बिल्ट इन माइक का, इसका बिल्ट इन माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन है नॉर्मल बिल्ट इन माइक ATT ऑफ है, बिल्ट इन माइक लो कट ऑन, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से ही रहता है। फिर अब हम आते हैं आउटपुट टर्मिनल, जैसे अगर 150 यूज़ करेंगे तो सिर्फ HDMI रहेगा और 155 है तो इसलिए SDI का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आप HDMI मैक्स रेजुलेशन आप कितना करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं, HDI होने से इसका ज़्यादा रेजुलेशन हो जाता है। फिर HDMI स्कैन, मतलब आप जब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपको ये 1080i में रखना पड़ेगा।
फिर आउटपुट स्टेटस दिखा रहा है, उसके बाद एलसीडी ब्राइटनेस, एलसीडी बैकलाइट, व्यू फाइंडर, बैकलाइट, एलसीडी मिरर इमेज, आउटपुट स्क्रीन, मैंने ग्रीडिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है जो आप यहाँ देख सकते हैं, मार्किंग ग्रीडिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है जिससे आप कंपोजिशन अपना ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस यूनिट, मीटर में आप करना चाहते हैं या आप फुट में करना चाहते हैं, फिट में सॉरी। फिर सेटिंग्स का ऑप्शन, लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आप बटन्स को असाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 बटन दिया हुआ है, वो 5 बटन को अपने हिसाब से असाइन कर सकते हैं। फिर 3 का ऑप्शन है, वो अपने हिसाब से अपने असाइन कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने बटन को असाइन कर सकते हैं, सपोज आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो फास्ट रिक्वायरमेंट आपको लगता है। फिर उसके बाद कस्टम डायल बटन, फिर बैकअप मेनू सेटिंग्स, सर्टिफिकेट रिसेट, और लास्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सपोज आप सेटिंग्स आपका अगर बहुत ही उल्टा फुल्टा हो गया है तो आप रिसेट ऑल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन है और मेनूज का कंट्रोल्स है इस कैमरा में। मैं बहुत ही फास्ट आपको दिखा दिया, नहीं तो ये बहुत और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो सकता था। मैं इसके बाद आपका वो इसका स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।